Hello everyone, so today our new topic is saving. So let's get started. Sometimes we may wish to prepare a dish with flour. We need to remove impurities and bran that may be present in it. What do? We use sieve and pour the flour into it. कि घर में जब भी मम्मा आटा बनाती है तो सबसे पहले क्या करती है, सीव के थ्रू क्या करती है, छन्नी के थ्रू वो आटा होता है उसको छानती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसके ऊपर जो इम्प्योरिटीज़ रहती है वो जो आटा गूंदने में आता है तो उसमें नहीं आती है, वो सीव के ऊपर ही रह जाती है। तो ये एक बेसिक एग्जाम्पल है जो कि आपने रेगुलर घर में देखा ही होगा। Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. कि sieving का काम क्या है, कि sieving किसे कहते हैं, तो sieve के through जितना भी small particles होता है वो नीचे आ जाता है फ्लोर का, और जितनी भी impurities रहती है मतलब कि बड़े particles होते हैं वो क्या कहते हैं, sieve के ऊपर ही रह जाती है, जितनी भी bigger impurities होती है वो। In a flour mill, impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. कि जब भी हमारा wheat होता है तो उसको जब flour mill में डालते हैं तो वो mill में क्या होता है कि जितने भी husk होते हैं, बड़े stone होते हैं, जितने भी impurities होती है वो क्या हो जाती है, वो grinding के पहले वो सारी चीज़ें remove कर दी जाती हैं। Usually a bagful of wheat is poured on a slanting sieve. The sieving removes pieces of stones, stalk and husk that may be remains with wheat after threshing and winnowing. अभी देखो कि sieving के through ये काम कैसे होता है, कि जब भी threshing होता है, winnowing क्या होता है, जो हमने already आगे के topic में देख लिया कि winnowing किसे कहते हैं, threshing किसे कहते हैं। तो जब भी विनोविंग और थ्रेशिंग हो गया है तो उसके अंदर भी जब छोटी स्टोन या तो इम्प्योरिटीज़ रह चुकी है, हस्क रह चुके हैं, तो वो सीविंग के थ्रू निकल जाते हैं। जब भी ग्राइंडिंग मिल में जाते हैं तो उससे पहले ये चीज़ें रिमूव कर दी जाती है। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर सीव्स बींग यूज एट कंस्ट्रक्शन साइट्स टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड। कि ये चीज़ तो हमने अपने घर में देखी, क्योंकि घर में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं कि जब भी हमें कोई पाउडर फॉर्म है तो अगर कोई भी चीज़ बना रहे हैं खाने की तो मम्मा पहले क्या करती है, सीव के थ्रू वो चीज़ को छन्नी से साफ़ कर देती हैं ताकि इम्प्योरिटीज चली जाए। सेम तो कंस्ट्रक्शंस काम में होता है कि एक बड़ा सा उन्होंने सीविंग जैसा पूरा बड़ा रखा होता है तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, सैंड पार्टिकल्स उसमें डालते हैं, तो जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं और जितने भी बड़े स्टोन होते हैं तो वो अलग से साइड में निकाल देते हैं जिसका कोई भी काम नहीं होता है। आप एक एक्टिविटी अपने घर में भी कर सकते हैं, कैसे कि बींग अ सीव एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम। तो आपको अपने घर से वो आज ही करना है कि आपको फ्लोर लेना है और छन्नी लेना है। Save the flour to separate any impurities in it. अगर आपको बाहर से डालना है ठीक है, अगर नहीं डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी impurities flour के अंदर भी रहती हैं। Make a fine powder of chalk pieces and mix it with the flour. Can we separate the flour and the powdered chalk by sieving? कि ये दोनों example कैसे हो, कि एक आप सिर्फ फ्लोर का करके देख सकते हो और दूसरा है कि आप चॉक पीसीस को एकदम स्मैश करके फ्लोर के अंदर डाल के बाद में वो चीज़ को फ्लोर के अंदर डाल दो और बाद में सीव करके देखें, तो क्या हम पाउडर को और चॉक को दोनों को अलग कर सकेंगे, मतलब कि जो हमारा फ्लोर है वो चीज़ और पाउडर चॉक का जो है वो दोनों को हम अलग कर सकते हैं। सीविंग इज़ यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस, क्योंकि हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चॉक है वो भी पाउडर फॉर्म में आ गया है और हमारा फ्लोर है वो ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में है, तो हम उसमें से चॉक को और फ्लोर को दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। सीविंग तभी यूज़ होता है जब भी दोनों साइज डिफरेंट हो, तो जब भी बड़े पार्टिकल्स होंगे तो वो सीव के ऊपर रह जाएंगे और छोटे होंगे वो नीचे आ जाएंगे। तो ये सीविंग मेथड है। थैंक यू।